तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू भैया प्रकृति के संग में। और दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू की टीम, जैसे कि मैं संजीव, हमारे अख्तर भाईजान और कैमरा के पीछे हमारे ललित मिश्राम जी, आज हम तीनों बहुत टाइम के बाद में, करीब करीब एक महीने बाद, क्योंकि हम साथ में जंगल पे आए हैं पर एक बहुत बड़े से सांप को रिलीज करने के लिए। क्योंकि आपको जैसे पता है कि ठंड का मौसम लगभग खत्म ही हो चुका है और सांप हाइबरनेशन से बाहर आ चुके हैं, और इसी के साथ साथ अब सांपों का दिखना भी स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमें ये जो सांप है, ये हमें रेस्क्यू करने का मौका मिला और इसे हम छोड़ने के लिए जंगल पे आ चुके हैं। और इसको रेस्क्यू करना जितना ही आसान था, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल इसको रिलीज़ करना है। क्योंकि गर्मी आ चुकी है तो सांपों को जो रिलीज़ करने की जगह है, लगभग वहाँ पे पानी ख़त्म ही हो चुका है। आप देख सकते हैं, एक छोटा सा पौंड हमारे बाजू में है, यहाँ भी पानी लगभग समाप्ति की ओर है, और इसीलिए इनको छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जहाँ पे इसको हम छोड़ें, वहाँ पे मॉइस्चर होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, सांप को रिलीज़ करते हैं, देखते हैं रिलीज़ करके कैसी प्रतिक्रिया करता है। काफ़ी टाइम के बाद में एक बिग साइज़ का, करीब 2 महीने बाद हम कह सकते हैं कि बिग साइज़ का एक कोबरा हमें मिला है। छोड़ दो। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह है एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसे भारतीय नाग या भारतीय ऐनकधारी नाग कहते हैं, जो कि इंडिया के बिग 4 वेनमस स्नेक्स में से एक है। और इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, जिसके काटे जाने पर यह हमारे तंत्रिका तंत्र पर सीधा असर करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा दोस्तों, कि अब जैसे कि आपको पता है कि ठंड तो लगभग ख़त्म हो ही चुकी है, सांपों का निकलना भी प्रारंभ हो चुका है, सांप दिखने लगे हैं। ठंड के वक्त बिल्कुल नहीं दिखते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम रेस्क्यू होते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और अब ये सांप वापस दिखने लगे हैं, तो अपने घर के आसपास थोड़ा सा साफ सफाई रखिएगा, घर के आसपास सतर्क रहें, रात को अपने हाथ में एक टॉर्च लेकर ज़रूर निकलें कहीं भी जाएं आप। तो दोस्तों, आपने देखा बहुत ही खूबसूरत है नाग, और चलिए अब इसे जाने देते हैं, ताकि इस बड़े से जंगल में ये अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही सुकून और शांति से बिता सके। आपने देखा, हमने एक बहुत ही खूबसूरत सांप को रिलीज किया। और दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, अभी आप देख सकते हैं कि इतना बड़े इस तालाब में थोड़ा सा ही पानी है, ठीक है, इसकी कहीं ना कहीं वजह हम ही हैं, जो हम दिन ब दिन जंगलों को काट रहे हैं, और जो दिन ब दिन जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसे हमें कंट्रोल में रखना है। तो दोस्तों, इसे कंट्रोल करने के लिए आप और हम ही मिलकर जब तक कोशिश नहीं करेंगे, ये कंट्रोल पे नहीं होगा। सो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितना ज़्यादा हो सके, कम से कम पानी का व्यर्थ ना करें, पानी को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और कोशिश कीजिए कि आप हर साल अपनी तरफ से एक पेड़ जरूर लगाएं, ताकि हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को सेफ्टी से रख सकें, उसको सुरक्षित रख सकें। सो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ, यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात पे जरूर ध्यान देंगे। और दोस्तों, गर्मी आ चुकी है, अपने घर के आसपास छोटे मिट्टी के बर्तनों में या किसी भी बर्तनों में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखें, ताकि उनकी भी प्यास बुझाई जा सके। सो दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी एक नेक्स्ट रेस्क्यू में, नए किसी जहाँ पर जान बताते हुए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे वाइल्डी एंड जय हिंद।